दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्यों खत्म हो रहे हैं गिद्ध? क्या कभी आपने गिद्ध को देखा है? हमें पूरी उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने इन्हें नहीं देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से कुछ साल पहले गिद्ध भी कौओं की तरह हर गांव और शहर में पाए जाते थे। सड़क किनारे किसी मरे हुए जानवर को घेरे हुए गिद्धों का झुंड या फिर आसमान में चक्कर लगाने वाले गिद्ध आपको हर जगह देखने को मिलते थे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि कोई इनकी गिनती नहीं कर पाता था। पर दोस्तों फिर पूरी काया पलट गई और साल 1991-92 में देश भर में हुए सर्वे से पता चला कि उस वक्त इनकी तादाद करीब 4 करोड़ थी। लेकिन उसके मात्र 10 साल के अंदर ही इनकी संख्या इतनी तेजी से कम हो गई कि आज ये पूरी तरह से लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। ऐसे में यह सवाल ये आता है कि हमारे पर्यावरण के लिए इतने फायदेमंद कहे जाने वाले गिद्ध आखिर लुप्त क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको गिद्ध के बारे में बता दें कि ये एक ऐसे पक्षी हैं जो मांसाहारी तो होते हैं लेकिन ये जल्दी किसी को मार कर नहीं खाते, बल्कि अधिकतर मरे हुए जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं। यानी जो जानवर मर जाते हैं और उनकी बॉडी सड़ जाती है जिसकी वजह से वातावरण में प्रदूषण फैलता है, उन्हीं जानवरों को ये सड़ने से पहले ही अपना भोजन बना लेते हैं। क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये सड़े गले मरे हुए जानवरों तक को बड़े आराम से पचा सकते हैं, जिससे इनका पेट भी भर जाता है और वातावरण में साफ सफाई बनी रहती है। अब गिद्धों के इस लाइफ सर्किल को देखकर यही लगता है कि इन्हें बनाया ही वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए है, क्योंकि अगर सभी जानवर जिंदा जानवरों को खाएंगे तो भला काम कैसे चलेगा। इसलिए इन्हें प्रकृति द्वारा तैयार किया गया है ताकि वातावरण में जितने भी मरे हुए जानवर हैं जो अपनी बॉडी से वातावरण में प्रदूषण फैला सकते हैं, ये पक्षी उन्हें प्रदूषण फैलाने से पहले ही अपना भोजन बना लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है, जिसका कारण हम इंसान तो है ही, लेकिन एक कारण इन पक्षियों की तादाद में होने वाली कमी भी है। दोस्तों शुरू में जब इनकी संख्या में कमी आई तो शोधकर्ताओं और गांव वालों के मुंह से सुनने में आता था कि अब गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देते। दोस्तों वैज्ञानिक प्रभु प्रकाश ने राजस्थान के मशहूर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इनकी संख्या में कमी को दर्ज किया। साल 1987 के आसपास इस पार्क के 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इन्होंने घोंसले बनाने वाले गिद्धों की 353 जोड़ों की गिनती की थी, जो 1996 तक आते आते आधी हो गई। दोस्तों वैज्ञानिक प्रभु प्रकाश को देखकर झटका सा लगा कि चारों ओर मरे हुए गिद्ध देखने को मिल रहे हैं, घास में, पेड़ों पर और यहाँ तक कि घोंसलों में भी मरे हुए गिद्ध दिख रहे थे। और साल 2000 तक भरतपुर में एक भी गिद्ध नहीं बचा था। यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की खबरें आने लगी। तेजी से कम होते गिद्धों की तादाद के रहस्य को समझना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों पक्षियों की आबादी में आई गिरावट के कई सारे कारण हो सकते थे, जिसमें शिकार, महामारी या फिर प्राकृतिक विनाश जैसे कई सारे कारण सामने आ रहे थे। लेकिन असल कारण क्या था, इसे इतनी जल्दी समझना बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद कई दूसरे देशों पर भी इसका ध्यान गया और फिर एक दर्जन के करीब वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पाकिस्तान में गिद्धों की लाशों का परीक्षण किया। जब पूरी रिसर्च हो गई तो पता चला दोषी कोई और नहीं बल्कि डाइक्लोफेनिक है। दोस्तों ये दर्द और सूजन को कम करने वाली दवा है जिसके इंजेक्शन मवेशियों को लगाए जाते हैं। ऐसे में जब बीमारी के कारण मरने वाले मवेशी जिन्हें बीमारी के दौरान डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगाया जाता था, उस इंजेक्शन की दवा इनके शरीर में मरने के बाद भी मौजूद होती थी, और जब मवेशी उसी दवा के साथ मर जाते थे तो उनके शरीर को गिद्ध खाते थे, जिसकी वजह से दवा का जो असर है वो गिद्धों के शरीर में होता था और उनके गुर्दे खराब होने लगते थे। धीरे धीरे यही चीज बढ़ने लगी और अंत में गिद्धों की मौत होना शुरू हो गई। यानी कि दोस्तों एक तरफ हम जानवरों की जान बचाने के लिए उन्हें दवाई खिलाते थे, लेकिन अगर दवाई खाने के बावजूद जानवर ठीक नहीं होते थे तो अपने साथ साथ दूसरे जानवर को भी मौत के घाट उतार देते थे। और धीरे धीरे करते करते ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे देश में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है और आज केवल गिनती के ही गिद्ध देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, जो वातावरण में गंदगी फैलाने वाले मरे हुए जानवरों को ऐसे सफाचट कर जाते हैं जैसे उससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कोई और ही ना हो। इसी तरह ये मरे हुए जानवरों की लाश से रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया वगैरह को पनपने नहीं देते, क्योंकि अगर मरे हुए जानवर के शरीर से निकलने वाले बैक्टीरिया
या फिर दूसरे सूक्ष्म जीव वातावरण में फैलने लगेंगे तो इससे हम इंसानों को नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, गिद्धों के ना होने से टीबी, एंथ्रेक्स जैसे रोगों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा चूहे और दूसरे आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, गिद्धों की तादाद में कमी का असर पारसी समुदाय के एक अहम रिवाज पर भी पड़ा है। पारसी समुदाय अपने मृतकों को प्रकृति को समर्पित कर देते थे, इसलिए वो मरे हुए शरीर को ऊंचाई पर स्थित पारसी शमशान में छोड़ देते थे, जहां गिद्ध उन्हें खा लेते थे। लेकिन गिद्धों के न होने की वजह से उनकी ये परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले कैम्ब्रिज जनरल में छपे एक सर्वे के मुताबिक भारतीय गिद्धों की गिरती संख्या में कमी आई और सफेद पीठ वाले गिद्धों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि इसकी दर बहुत ही ज्यादा धीमी है। वल्चर एक्शन प्लान के तहत साल 2006 में भारत में डाइक्लोफेनिक का मवेशियों पर इस्तेमाल करना प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं जो गिद्धों के लिए काफी जहरीली है। जल्द से जल्द इन पर रोक लगाने की जरूरत है, वरना प्रकृति का सफाया करने वाले पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, जिसमें से और किसी का नहीं, हम इंसानों का नुकसान है। क्योंकि अगर ये पक्षी ना रहे तो वातावरण में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलेगा, जो कि फैलता हुआ नजर भी आ रहा है। और इसे रोकने के लिए हमें न सिर्फ खुद में सुधार करना है, बल्कि इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।